हाय गाइस, नोबडी हियर। सो आज हम बात करेंगे बाइंड्स के बारे में। एंड आपको बाइंड्स के लिए बस ये एक वीडियो देखेंगे तो आपको सारे बाइंड्स पता चल जाएंगे। सो फर्स्ट है बेसिक बाइंड्स, जैसे WASD, जंप, शूट, रीलोड, यूज। एंड ये सारे जो बाइंड है वो आप सेटिंग में जाकर करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि ये जो बाइंड्स है इसमें आपको होल्ड करेंगे तब ये वर्क करेगा। बट जब एक बार ये रजिस्टर हो जाए तो इसको माइनस करना होता है, तो इसके लिए ये कभी कभी ग्लिच कर जाता है। सो आप ये सारे बाइंड्स को सेटिंग में ही सेट कर लीजिए। उसके बाद है वेपन स्विच बाइंड, जैसे 1 से प्राइमरी वेपन, 2 से सेकेंडरी वेपन, 3 से नाइफ, 4 जो होता है वो स्क्रॉल होगा सारे नेट्स के बीच में। और 5 से C4 आएगा। मेरे जो बाइंड्स है उसमें स्क्रॉल व्हील अप से प्राइमरी वेपन है, स्क्रॉल व्हील डाउन से सेकेंडरी वेपन है। उसके बाद आते हैं नेड स्विच बाइंड्स। आप स्पेसिफिक कीज को स्पेसिफिक नेड से बाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने F को फ्लैशबैंग से बाइंड किया है, C को स्मोक से बाइंड किया है, X को HE ग्रेनेड से बाइंड किया हुआ है। और आप इसको कंबाइन करके एक ही की से दो वेपन को इनेबल कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास फ्लैशबैंग नहीं होगा तो जब मैं F दबाऊंगा तो मेरा नाइफ इक्विप हो जाएगा, एंड जब मेरे पास स्मोक या HE ग्रेनेड नहीं होगा तो C एंड V दोनों ही से ही मेरा C4 इक्विप हो जाएगा। और इसका कॉम्बिनेशन करके आप फेक फ्लैश का भी बाइंड बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे Z से फेक फ्लैश का बाइंड बना के रखा है। सो जब मैं Z दबाऊंगा तो मेरा सेकेंडरी वेपन जो भी होगा वो ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद आप जंप और अटैक के बाइंड को कंबाइन करके जंप थ्रो का बाइंड भी बना सकते हैं। आप स्मोक इनेबल कीजिए, देन उसको लेफ्ट क्लिक से होल्ड कीजिए, एंड मैंने अपना ये बाइंड ऑल्ट से कर रखा है, तो जब मैं ऑल्ट दबाऊंगा तो जंप थ्रो होगा। जब आप कोई डार्क मैप खेल रहे हो जैसे कि न्यूक या इन्फर्नो, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे ये जो बोट है अगर मैं उसको शूट करूंगा तो उसके पीछे की साइड ये देखिए, ये जो है उसका ब्लड पीछे की दीवार पे स्प्रे हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने R क्लियर डिकेल का बाइंड बना के रखा है। तो जब भी मैं J दबाऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है टॉगल बाइंड्स। ये बाइंड के 2 वेज हैं। मान लीजिए कि कोई भी कंसोल कमांड है जैसे CL राइट हैंड, तो इससे आप वेपन को राइट या लेफ्ट हैंड में स्विच कर सकते हैं। इसको बाइंड करने के लिए आप बाइंड टॉगल का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट बाइंड टॉगल टाइप कीजिए, उसके बाद आपको जो भी की से वो टॉगल करना है वो डाल दीजिए। उसके बाद जो भी कंसोल कमांड आपको 0 और 1 के बीच में स्विच करना है वो डाल दीजिए। सो ये देखिए, मैं जब भी L दबाऊंगा तो ये लेफ्ट एंड राइट में स्विच होगा। इसका एक दूसरा तरीका भी है। सो मान लीजिए मुझे किसी बाइंड को 0 और 1 के बीच में स्विच नहीं करना है, और होस्ट टाइम स्केल जो है ये बाइंड को मुझे 1 और 5 पे टॉगल करना है। सो इसके लिए आप फर्स्ट बाइंड लिखिए, उसके बाद आपको जो भी की से बाइंड करना है वो लिखिए, उसके बाद कॉमा कीजिए, उसके अंदर टॉगल, देन स्पेस करके
होस्ट टाइम स्केल और 1 और 5 जो भी वैल्यू के बीच में आपको स्विच करना है वो डाल दीजिए। सो ये देखिए, जब भी मैं K दबाऊंगा तो ये 1 और 5 के 5 के बीच में स्विच होगा। उसके बाद है बाय बाइंस। सो मेरा जो नंबर पैड है उसमें मैंने अपने बाय बाइंस डाल के रखे हैं। सो जब भी मैं 1 दबाऊंगा तब फ्लैश बाय होगा। उसके बाद है से बाइंस। सो जब भी आपको चैट में कुछ लिखना है तो उसके लिए आप से बाइंस बना सकते हैं। सो फर्स्ट आप बाइंड लिखिए, उसके बाद आप जो भी की से बाइंड बनाना चाहते हैं वो डाल दीजिए, उसके बाद आप से कीजिए, उसके बाद आपको जो भी मैसेज लिखना है वो लिख दीजिए। और उसके बाद है कि आपको कोई बाइंड बनाना है जो आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी टीम को बताना है, तो उसके लिए आप से टीम का यूज़ कर सकते हैं। ये मैं पी से कर लेता हूँ। सो ये देखिए, ये पी वाला है और ये आई वाला है। अगर आपको चैट में कुछ टाइप करना है बट आपको दिखाना नहीं है कि आपने चैट में कुछ टाइप किया है, बट वो वर्क करेगा, जैसे कि आप ये पब्लिक सर्वर पे ये किसी को बताना नहीं चाहते कि आपने एक्सक्लेमेशन RS टाइप किया है रिसेट स्कोर करने के लिए, तो आप उसके लिए बाइंड लिखिए, उसके बाद की टाइप कीजिए, उसके बाद SM कीजिए और उसके बाद आप RS टाइप कीजिए, तो इससे आपका स्कोर रीसेट हो जाएगा। Smoke weed every day.